चरम परम प्रिय मेरे भाई बहन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं और मंगल कामना, जो इस बार जयंती नाम से भी रोहिणी नक्षत्र युक्ता होने से जानी जाएगी। जहां ये जन्माष्टमी का व्रत हमारे पापों को नष्ट करके हमारा उद्धार ही नहीं, हमारे पितरों का भी उद्धार करने वाला व्रत है, वहीं पर जिन भाई बहनों को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उन सभी लोगों को संतान प्रदान करने वाला भी है। जो संतान प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन सभी लोगों को भी व्रत के उसी नियम का पालन करना है जैसे अन्य भाई बंधु करते हैं, लेकिन हाँ, उसमें अपनी भावना ही रखना है। प्रभु आपके जैसा सुंदर और कल्याणकारी जो है, हमें भी पुत्र की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाए। जिन माताओं बहनों के गर्भ में शिशु है, उनको भी उस भावना से अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फल फूल दूध ड्राई फ्रूट इत्यादि ग्रहण करें। प्रयत्न करें कि अन्न ग्रहण न करें, बहुत अत्यावश्यक हो तो अन्न ग्रहण भी कर लें, भावना वही रखें, लेकिन लहसुन प्याज आदि इत्यादि सब ग्रहण बिल्कुल ना करें। और हाँ, करना क्या है, इसके साथ में अपने आचार्यों पुरोहितों को बुला करके संतान गोपाल मंत्र का जाप अथवा पाठ अथवा दोनों अधिक से अधिक संख्या में 11 नहीं तो 9 नहीं तो 7 नहीं 5 ब्राह्मणों को बुला करके सुबह से लेकर रात्रि पर्यंत पूरी श्रद्धा से खुले मन से हमें करवाना चाहिए। यही नहीं, अगर इसके साथ में हरिवंश पुराण का पाठ हो जाए तो सोने में सुहागा है। निश्चित रहिए, अपने शास्त्रों पे भरोसा रखना चाहिए। ये चूंकि केवल अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र ही मिल जाए तो अपने आप में बहुत ही पर्याप्त हो जाता है, लेकिन इसमें तो जो है बुधवार दिन भी प्राप्त हो रहा है और साथ में वृष राशि के चंद्रदेव हैं, तो इसके महत्व को तो कहा ही, वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। तो जिनको संतान नहीं है, वो पूरी निष्ठा से इस जन्माष्टमी का इस भावना से कि प्रभु हमें शीघ्र संतान प्रदान करें, आप स्वयं व्रत कीजिए, पति पत्नी दोनों पूरे परिवार भर कीजिए, ये तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को करना चाहिए, लेकिन साथ में संतान गोपाल मंत्र का पाठ, जप, हवन और हरिवंश पुराण का पूरा अनुष्ठान योग्य कुशल चरित्रवान और प्रयत्न कीजिए युवा आचार्य को बुला करके उस रूप में, अथवा बड़े आचार्य भी रहे ऐसा नहीं है, लेकिन उनके साथ में वैसे सारे लोग रहें और उनकी सेवा कीजिए और भगवान के पास से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और पुनः आप सभी लोगों को इस जन्माष्टमी का व्रत तो अवश्य ही रहिए, भले ही आपको संतान भगवान ने दिया है तो भी रहिए, नहीं दिया है तो भी रहिए, अवश्य आपकी इच्छा प्रभु पूर्ण करेंगे। ये अनिवार्य व्रत में से एक व्रत आता है, इसके विषय में और पूरा डिटेल्स नीचे लिंक को टच करके आप जान सकते हैं। पुनः आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सियाराम।